मंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने ही सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। एक ऐसे व्यक्ति है बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, मेहनती और जनता के हित के बारे में सोचने वाले, तो आने वाले 5 साल जो है उनके हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित। आप लगातार कांग्रेस को टारगेट करती रही है, किस वजह, क्या लगता है इस चुनाव में उनकी हार की वजह और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत प्लस नीतियों के अलावा क्या लगता है कि कांग्रेस की जो कार्यशैली थी, कांग्रेस की जो ग्राउंड पे वर्किंग थी वो सही नहीं थी? बिल्कुल सही नहीं थी। कांग्रेस के अंदर केवल नकारात्मक जो है राजनीति करी जाती है। बाबू और बेटा, बाप बेटा दोनों जो है वो केवल अपना जो है स्वार्थ साधने के लिए काम करते हैं। जो उनका चमचा नहीं है, जो उनके नीचे नहीं लग सकता, उसको पूरी तरह से खत्म करने की बात करी जाती है। जो नेतृत्व है उसको खत्म करा जाता है और जो है इनकी सोच ये रहती है कि अपना घर किस तरह से मारा जाए। और वो इनके आपने देखा चुनाव के दौरान जो है वीडियो निकले थे, जो ये बात कह रहे थे कि भाई पहले अपना घर भरेंगे, ऐसे कुछ था, फिर रिश्तेदारों का करेंगे, फिर आगे सोचेंगे। तो ये बातें जब है, ये सारी बातें देख कर जनता जो है जान गई कि इनका क्षेत्रवाद, इनका भ्रष्टाचार, इन लोगों का पूरी तरह से जो है नेगेटिव जो काम करने का तरीका है उसको पूरी तरह से नकार दिया। कुमारी शैलजा की अनदेखी भी कहीं ना कहीं हार का कारण है कांग्रेस? निश्चित तौर पे, जब आप लीडरशिप को जिस तरह से टिप्पणियां करी गई एक सीनियर नेता के खिलाफ, एक महिला के खिलाफ, सो आप समझ सकते हैं महिलाएं तो इससे बहुत शब्द हुई। और जिस तरह से जो है खुलेआम टिप्पणियां करी गई और उसके ऊपर किसी भी तरह से किसी ने जो है उसके ऊपर वो नहीं करा, खंडन नहीं करा, तो आप इनकी जो है जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है वो तो बहुत ओछी है। अंतिम सवाल रहेगा मैम, श्रुति चौधरी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंत्री पद में, मंत्रिमंडल की दौड़ में शामिल है, मंत्री पद उनको मिल सकता है, क्या लगता है आपको, इस प्रकार की कोई सूचना आपके पास है? नहीं, ये हम किसी चीज कोई दौड़ में शामिल नहीं है। हमने ईमानदारी से काम करा है अपना जिले में। पूरा श्रुति का जो पार्लियामेंट है, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, और चाहे हमारा पूरा हांसी और जींद तक जो है पूरी तरह से हमने काम करा है और उसके नतीजे आपके सामने हैं। पहली बार जो है कमल का फूल ऐसे इलाकों में खिला है जहां कभी खिला नहीं करता था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, उनकी तरफ से हिसाब कर दिया गया, ये उनकी कार्य क्षेत्र की बात नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व को तमाम चीजें तय करनी है और उसी हिसाब से तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालजम, हरियाणा न्यूज, पंचकूला।